नमस्कार, प्रकाशक के पटल पर आप सभी का स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं एक बहुत ही मीठा स्वर, कविता का, हिंदी साहित्य का, स्वरों की दुनिया का बहुत ही मीठा सा स्वर, वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रमिला भारती जी। प्रमिला भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबरू कार्यक्रम में। नमस्कार सबको, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राजुल जी आपने मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया और प्रकाशक पेज को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उपस्थित जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम, आशीर्वाद और प्यार। प्रमिला भारती जी के विषय में बातचीत करने का ये मौका मिला है और बहुत सी स्मृतियां हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें आज उनसे मैं चाहूंगी कि वो हम सबके साथ साझा करें, लेकिन उससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय मैं बता दूं। आपकी प्रकाशित कृतियों की बात करें तो गीत संग्रह नदी संवेदना की, नीले पंखों वाली चिड़िया बाल गीत संग्रह, प्रमिला सतसई दोहा संग्रह, सोन चिरई लोकगीत संग्रह, सहरा में घनी छाँव गजल संग्रह, बहुत पहले की बात है कहानी संग्रह और छंद संग्रह ये प्रकाशित हो चुके हैं। सह संकलन में गूंजते स्वर, 20वीं सदी के रचनाकार, काव्यांचल, गीत और गीत, संयोग साहित्य, सार्थक मुंबई और सेंट्रल बैंक की पत्रिका सेंट्रलाइट से आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। सूचना एवं प्रचार निदेशालय की पत्रिका दिल्ली से आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की पत्रिका आदर, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पत्रिका बोल भी कठपुतली में गीत बाल गीत एवं गीत नाट्य का प्रकाशन, वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर गोपालदास नीरज द्वारा संपादित पुस्तक आज की लोकप्रिय कवियत्रियों में आपकी रचनाएं संकलित हैं। शीघ्र प्रकाश एक मुक्तक संग्रह है जो कि जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। संस्मरणों की एक माला पिरो रही है पुस्तक में और वो पुस्तक भी जल्दी हमारे साथ होगी। गीत नाट्य मुक्त छंद संग्रह और शहीदों की स्मृति में ये उनके शीघ्र प्रकाश संग्रह हैं। पुरस्कार एवं सम्मान में गीतकार दिवाकर स्मृति सम्मान, गंगा सम्मान लखनऊ रचना परिषद द्वारा, जिला प्रशासन लखनऊ द्वारा साहित्यिक सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा काव्य क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लखनऊ द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश एवं अभिव्यक्ति संस्था द्वारा केशव चंद्र मिश्र वाग्देवी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। चेतना साहित्यिक संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। यूके हिंदी समिति द्वारा आपको आमंत्रित किया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में समय समय पर रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। तो आज इतनी सक्रिय और उम्र के 80 वसंत बहुत ही प्रेरणाप्रद ढंग से सभी के बीच व्यतीत करती हुई आदरणीय प्रमिला भारती जी हमारे बीच मौजूद हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमिला जी। अगर इतनी जैसे कि आपकी रचनाओं में भी बात है और आपकी जो किताबें पढ़ी हैं उनमें कई बार कुछ बातें देखने को मिलती हैं, जैसे लगता है कि कुछ वेदना के स्वर, कुछ करुणा, ऐसा कुछ नजर आता है। तो क्या कुछ करुणा और वेदना से आपका घनिष्ठ संबंध रहा है? सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि मैं
बचपन से ही जब छोटी थी तो मुझे पिता से इसके संस्कार मिले, और मैं अगर शुरू से अपना बताऊं तो ये बताऊंगी कि मैं बहुत छोटी थी जब, तो हम लोग वो टाइम ऐसा था कि उसमें कभी लोग अपनी वो नहीं पढ़ते थे। इलाहाबाद में दो संस्थाएं थीं, दो क्यों कहूँ, चार संस्थाएं थीं, निराला परिषद, काव्य लोक और वो किसलय मंच और आदर्श कला मंदिर। इन सब के सारे मेरे पास सुरक्षित हैं, इनकी कटिंग वगैरह। तो इसमें शुरू से ही हम लोग ड्रामा करना या जो भी करना, तो मतलब सब ऐसे ही लोगों का साथ रहा है। और मैं क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, जहाँ वो सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ी हैं और महादेवी वर्मा पढ़ी हैं, है ना। वो स्कूल इतना संस्कारवान था कि चलने पर भी आप कैसे चल रहे हैं, कैसे किसी से बात कर रहे हैं, टीचर के पास अगर आप खड़े हुए तो अपनी चीज टेबल पर रख कर एक फीट पीछे चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो जाना, ये नहीं कि लटक जाना मेज पर। तो उसके बाद फिर मैं जो महादेवी वर्मा के का मुझे साथ मिला, एक तो पिता से बहुत मिला, माँ और पिता से और अपने आसपास के वातावरण से। उसके बाद महादेवी वर्मा के स्कूल गए तो वो तो फिर करुणा ही है। फिर उन एक बात मैं वहाँ की घटना अगर ये बताऊं, सबसे पहले क्या मैं इलाहाबाद से ही शुरू करूं, बचपन से आदरणीय जी, मेरा सवाल मैं ये पूछ रही थी कि आपकी कविताओं में वेदना और करुणा की बात होते हुए भी एक आशा का स्वर जागता है, तो इस बात की कोई खास वजह है? जैसे बहुत निराशा, बहुत अंधकार, बहुत कठिनाइयों के बीच में एक कहीं पर रोशनी की किरण भी मौजूद रहती है आपकी कविताओं में, तो उसका क्या क्या कारण है और क्या वास्तव में जीवन को आप इसी प्रकार लेती हैं? मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, फिर हम बचपन की ओर भी चलेंगे। बचपन की ओर चले, फिर हम बचपन में मैं वो निराला परिषद में जो गोष्ठियाँ हुआ करती थी उसमें हम लोग हाथ जोड़कर वीणा वादिनी वरदे गाया करते थे, हम हमारी बड़ी बहन। फिर उसके बाद तो सब तो पार्क में खेलने चले आते थे सारे बच्चे, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या था, मेरे पिता का दिया हुआ, मेरे बाबा भी लिखते थे, पर बाबा भी लिखते थे, उन लोगों का अंश मेरे अंदर आ गया। तो मैं बैठी रहती थी वहीं, सबको सुनती रहती थी और सबकी बहुत सी कविताओं में बड़ी करुणा रहती थी, मेरे पिता के उसमें भी रहती थी। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था चाहे जितना कष्ट हो कि भगवान उसे जरूर मतलब वो करेंगे। मैंने एक गीत लिखा, उसकी कहिए तो दो एक वो सुना दूं इस आशा वाले। जी जरूर जरूर सर। जैसे पतझड़ की आंख जब वक्त की किताब पर, पतझड़ की आंख जब वक्त की किताब पर, मधुर तुके गीतों के छंद पढ़ लेती है, रजनी के घोर घने सुरमई अंधेरे में, चांदी की चांदी से दुर्ग गढ़ लेती है, पतझड़ की आंख जब। एक बन बस सुनाऊंगी, झड़ता झड़ता पत्ता वृक्ष की शिराओं में, जीवन के नए नए मंत्र घोल जाता है, मौसम की आंधी का हर विनाश आकर कानों में नव सृजन के बोल बोल जाता है। इसे पता लग रहा है ना,
कानों में नवसृजन के बोल बोल जाता है। ऐसे में हंस हंस के देख गिरे पातों को, वृक्ष ढूंढ की व्यथाएं मकरंद मढ़ लेती है। पतझड़ की आंख जब, पतझड़ की आंख जब, तो ये आशा का शब्द इसमें है। और ऐसा लगता है कि सुख और दुख तो बंजारे हैं, बंजारे आज यहाँ है कल है। अगर आज दुख है तो कल चला जाएगा अपनी गठरी उठा के यहाँ से। तो क्या बात इसका है। एक बस एक ही बंद हम सुनाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों से हम बात नहीं कर पाएंगे, जी इसलिए जी बस जी थोड़ा जी सा जी स्वागत है ना। जी। सुख दुख बन जा रहे हैं इनका, कोई नहीं ठिकाना। चौराहे पर खड़ी उमरिया देखे आना जाना। सुख दुख बन जा रहे हैं इनका, कोई नहीं ठिकाना। चौराहे पर खड़ी उमरिया देखे आना जाना। तो इस तरह के आशावादी बहुत गीत मैंने लिखे हैं। और मुझे हर समय हर अंधेरे में लगता था कि हमेशा कोई चीज हमेशा टिकने वाली नहीं होती ना। तो आज अंधेरा है, तो जब अंधेरा आता है तो मैं रोशनी का इंतजार करती हूँ, और जब रोशनी आती तो रोशनी को जीतती हूँ, और मन में सोचे रहती हूँ इसके बाद अंधेरा आना ही आना है। क्या तो बात क्या है, क्या क्या बात डर, है, क्या डरना, क्या रोशनी को बात खूब जीती हूँ जी भर के, और है। जब अंधेरा आता है तो अंधेरे से सामना करती हूँ डट के, और रोशनी का इंतजार करती हूँ। अब इसके बहुत बाद तो रोशनी ही आएगी जब ये खत्म होगा। जी तो जी जी मैं बचपन की एक बात बताती हूँ कि मैंने लिखना प्रमिला कहाँ जी, से प्रमिला शुरू। जी आपको बीच में टोकने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। हमारे साथ आदरणीय राजेश राज जी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये सुख दुख बन जा रहे हैं, ये गीत आप अगर पूरा सुना देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस जी गीत को आप पूरा कर दें, हमारा भी यही अनुरोध रहेगा कि इस गीत को पूरा कर दें और फिर हम अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुख दुख बन जा रहे हैं अच्छा, जी। एक निराला जी की बात बता दें तब सुनाए क्या? जरूर जरूर जरूर। अच्छा सुना देते हैं। सुख दुख इनका कोई नहीं ठिकाना। चौराहे पर खड़ी उमरिया देखे आना जाना। सुख दुख बन जा रहे हैं इनका, मत बांधो तुम सोन टिकुरिया चूनर के आंचल में। दर्द पसीज न जाए कोई नैनों के काजल में। तो गिरी टिकुरिया कहे आज चूनर के सूने टांके। कहो पीर से नैनों के कोरों से वहना जाके। तो तपे हुए सुरखी दे जाते, तपे हुए सुरही दे जाते जग को दिव्य तराना। चौराहे पर खड़ी उमरिया देखे आना जाना। सुख दुख बन जा रहे हैं इनका, तो राह पड़े पत्थर को जग से ठोकर ही मिलती है। हटी बिवाई जिन पांवों में पीर वहीं पलती है।
तो क्यों जाए हम पास खुशी के, मांगे हंसी उधार, कर लेंगे दुख से ही अपने हम 16 श्रृंगार। क्यों जाए हम पास खुशी के, मांगे हंसी उधार, कर लेंगे दुख से ही अपने हम 16 श्रृंगार। तो दीनहीन बन जीने से, तो दीनहीन बन जीने से तो अच्छा है मर जाना, चौराहे पर खड़ी उमरिया देखे आना जाना, सुख दुख बन जा रे है इनका। देखे अंतिम, एक सपन अंगड़ाई लेता मन की अंगनाई में, फागुन को आने दो बौर सजेंगे अमराई में, फागुन को आने दो बौर सजेंगे अमराई में, घोर अंधेरा है तो क्या चंदा भी आस लगाए, तम की चादर उठे चांदनी अपनी आन बिछाए, तम की चादर उठे चांदनी अपनी आन बिछाए, तो योगी वो हो गया कि जिसने, योगी वह हो गया कि जिसने यह क्रम है पहचाना, चौराहे पर खड़ी उमरिया देखे आना जाना, सुख दुख बन जा रे है इनका। राजेश जी, आपकी फरमाइश पूरी कर दी, आपकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं। नमस्कार, आप सबको, जितने लोग भी जुड़े हैं, फिर से एक बार, मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ। रविना जी, यही खूबसूरती है इस माध्यम की कि आप नहीं किसी को देख पा रही, लेकिन आपको सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आपकी रचनाओं का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ अंजलि पाठक जी जुड़ी हैं और उन्होंने कहा है ये गीत हम सुन चुके हैं, बहुत सुंदर गीत है दीदी। दिव्या त्रिवेदी जी कह रही हैं, उन्होंने कर लेंगे हम दुख से ही अपने हम 16 श्रृंगार। दिव्या त्रिवेदी एक बहुत ही सुंदर रचनाकार हैं, उन्होंने रचना के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। और शशि शुक्ला जी, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। बबीता श्रीवास्तव जी हैं, पूनम अहमद बहुत अच्छी कहानीकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। पद्मा अग्रवाल जी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय राजेश तिवारी जी स्वागत है। अल्फा प्रमोद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, सादर नमन। और राजेश राज जी तो है ही हमारे साथ। अब मैं आपको फिर से बचपन की उन्हीं गलियों में ले जाना चाहती हूँ जहाँ से आपका काव्य सृजन शुरू हुआ था। तो अनुरोध है आपसे कि हमें शुरुआत के बारे में कुछ बताएं। मेरा घर, मेरा जन्म प्रयाग में हुआ, प्रयागराज में है, संगम के किनारे है, ग्रैंड ट्रंक रोड के पास, जो कि सीधे संगम जाती है, वहीं पर मेरा घर। वहां पे निराला परिषद एक परिषद थी, तब रिक्शा नहीं चलता था, तांगे चलते थे, तो निराला जी को लोग तांगे से लेने जाते थे, और निराला परिषद की गोष्ठियां कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, ज्यादातर अधिकतर मेरे घर होती थी। मेरे पिता इसके बहुत सक्रिय सदस्य थे, और श्री जय विशाल कालिका प्रसाद अवस्थी जी, वो बहुत ज्यादा, मेरे पिता से भी ज्यादा सक्रिय सदस्य थे इनके। और मैं चूंकि बहुत पुरानी हूँ, तो मैं सब पुराने लोगों को बिल्कुल याद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। कानपुर के जो स्नेही जी हैं,
वो मेरे घर अक्सर आते थे, और कालिका प्रसाद अवस्थी जी के वो समधी बनने से बाद में, तो मैं उनके घर गई थी, और सारे मतलब निराला परिषद के कागजात वगैरह कि मुझे मैं ले आऊं अपने साथ और आप सबको बताऊं, लेकिन उन लोगों ने आंगन में बॉक्स रख दिया था लकड़ी का, उसमें सारे कागज भीग गए। हम बहुत दुखी हुए, हमने उनकी उनकी बहू से कहा, हमने कहा इतनी कीमती चीज जो कि गहने से भी ज्यादा हम लोग संभाल कर रखते हैं, ऐसे चली गई, अब कहाँ मिलेगी। तो बोले दारागंज में एक राजकुमार जी हैं, वो बहुत अच्छा पुराने, हो सकता है उनके पास मिले, या हो सकता है इनके बेटे शायद बनारस में रहते हैं, उनके पास मिल जाए। अब देखिए मिलता है या नहीं मिलता है, हम तो बताए दे रहे हैं, आप चाहे उसको जैसा समझे। तो ऐसा हुआ कि गोष्ठियां हुआ करती थी, एक बार हमारे घर में गोष्ठी थी, तो हम छोटे थे, तो हमारे पिता ने एक बार हमको एक डायरी दी थी, तो उन्होंने शायद पहचान लिया था कि सब बच्चे भाग जाते हैं वीणा वादिनी के बाद, और यही बैठी रहती है पूरे टाइम, तो उनको कुछ लगा हमारे अंदर है, तो उन्होंने मुझको चौथे क्लास में एक डायरी दी और कहा इसमें कुछ लिखना। तो हमने कहा जी कि क्या लिखेंगे, तो बोले कुछ नहीं यही लिखना, आज स्कूल गए थे, आज इस टीचर ने बहुत प्यार किया, आज ये किया, यही लिखना। ये सब लिखते लिखते एक दिन मैंने एक तो कविता भी लिख डाली अपने नाम पर। अब वो कविता लिख दी तो लगा कि अब हम भी कवि, अब उस समय तो नहीं लगा था, वो निराला जी के माला पहनाने के बाद लगा। तो वो मैं हम लोग ने सरस्वती वंदना पढ़ी, उसके बाद हम सब लोग खेलने चले गए, और हम आके चुपचाप से फ्रॉक में छुपा कर अपनी कॉपी बैठ गए, और जितनी बार जय विशाल जी वहां से गुजरते थे वो सबका नाम हम लिख रहे थे कि किसको किसको पढ़ना, और निराला जी बैठे थे, उनको ले आया गया था तांगे से जाकर, तो उनको माला वाला पहना दी जा चुकी थी, सरस्वती वंदना हो ही चुकी थी, हम फ्रॉक में छिपाए अपनी वो बैठे थे, और पापा से तो कहने की हिम्मत थी नहीं हमारी, बहुत डरते थे पापा से, तो बार बार उनसे कह रहे थे चाचा जी हमने भी कविता लिखी है हम भी पढ़ेंगे, तो वो सुनते ही नहीं थे। वो चले जाते थे, फिर उधर से गुजरते थे, फिर हम कहते थे चाचा जी हम हमको भी पढ़वाइएगा, हमने भी कविता लिखी है। तो कई बार निराला जी ने ये चीज देखी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये बच्ची क्या कह रही है, तो वो बोले कुछ नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं हमारे अंदर शुरू से यही बात कि हमको दबा नहीं सकता कोई, किसी तरह से भी नहीं दबा सकता शुरू से। तो हमने कहा नहीं हम कह रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि हमने भी कविता लिखी है हम भी कविता पढ़ेंगे, तो निराला जी ने सबसे पहले हमको कविता पढ़ाई। हमने कौन सी कविता पढ़ी आप लोग को भी सुना दे, प्रमिला शर्मा मेरा नाम, मैं पहले शर्मा थी, प्रमिला शर्मा मेरा नाम, पढ़ना लिखना मेरा काम, पढ़ लिख कर जब बड़ी बनूंगी जन सेवा का कार्य करूंगी, ऊंच नीच का भेद न होगा, धनी निर्धनी एक न होगा, ईश्वर मुझको दे वरदान, प्रमिला शर्मा मेरा नाम। ये उनको सुनाई, इन्होंने अपने गले की सारी माला उतार के हमको पहना दी, और बहुत प्यार किया, हमारे सर पे हाथ रखा, और उसके बाद तो हमको लगा कि हम भी इन्हीं लोगों में से एक कवि हैं, और बहुत अकड़ के उसके बाद हम सारा कवि सम्मेलन हमेशा सुनते थे, चाहे जहां हो, अगर और पापा ने हमारे अंदर पहचान लिया था कुछ वो तो हमारे पापा जनक ही थे, तो वो जो है वो कहीं भी प्रोग्राम होता था तो हमको जरूर ले जाते थे, रात रात भर नुमाइशों में कवि सम्मेलन होता था, उसमें श्याम नारायण पांडे, वहां से कोई आते थे राजस्थान से, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी एक लाइन, बच्चे थे ना तो ज्यादा नहीं याद है, और उम्र भी हुई, तो आगे आगे चांदड़ो
अंधेरो पीछ पाछे भागे रे, आगे आगे चांदड़ो, बस यही याद है। और हमारे घर में एक बार गोष्ठी हुई थी, तो उसमें बिल्कुल नीरज जी का याद है कि वो हमारे यहाँ घड़ी है उसके नीचे वो बैठे हैं, और कौन सा गीत गा रहे हैं मैं आपको बताऊं। जब सूना सूना तुम्हें लगे, जब सूना सूना तुम्हें लगे, तुम मुझे बुलाना मैं गुंजन बन आऊंगा, जब सूना सूना तुम्हें लगे। बस एक लाइन याद है, छूटे थे ना। फिर उसके बाद पापा वहां गोपाल सिंह नेपाली आए थे एक बार, तो उनको शिशुपाल सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, ये बड़े बड़े कवियों का को सुना सुना इतना है, इतना सुना है कि सुनने और पढ़ने की आदत भी है, तो सुनने और पढ़ने से बहुत आता है। बहुत से लोग बस कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया, अब चाहे वो दो दो चीज वहां से चुरा ली, एक भाव वहां से ले लिया, एक भाव वहां से ले लिया, जब तक आपके अंदर कोई चीज मचती नहीं है ना, तो वो बाहर उस रूप में नहीं निकलती। उसमें पता लग जाता है कि ये चीज यहाँ यहाँ से इकट्ठा करके सबको जोड़ जाड़ के ये खिचड़ी बना दी गई है, और काहे की खिचड़ी ये भी नहीं पता लग रहा है, मूंग की है कि अरहर की है, पता नहीं क्या क्या है उसमें। तो अब हम आपको उनका सुनाते हैं, गोपाल सिंह नेपाली। वो जब वो गा जब वो कवि सम्मेलन में कहते थे, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, ये जब कहते थे तो पूरा हॉल जो है ताली से पंडाल के बाहर तक लोग रजाई ओढ़ ओढ़ के बैठते थे, और जहां उन्होंने कहा 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, ये पढ़ना शुरू किया है, पूरी तड़तड़ाहट से ताली की सब गुंजाता था, और हमको बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों हमारे भाई बहन सब जीप में बैठ के सोने चले आते थे, कहते ड्राइवर से कहते थे कि हम तुमको नींद आ रही है, हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम सुबह तक देखते थे। और जब श्याम नारायण पांडे पढ़ने खड़े होते थे, तो उनका तो स्वर कानों में घुसता अभी तक, हल्दी घाटी पढ़ते थे उसमें उन्होंने चेतक की वीरता पढ़ी, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप की के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था, जो तनिक हवा से बाघली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो मतलब उनका एकदम पूरा याद है, सुनाएंगे तो फिर बात कब करेंगे। तो ये अब उनका सुना रही हूँ मैं, गोपाल सिंह नेपाली का घी, जिस पर मैंने जिस तर्ज पे मैंने अब आके गजल भी लिखी उपदेश न दो चांद चकोरों को करी लो, ये तारों भरी रात में चलने के लिए है, उपदेश न दो चांद चकोरों को करी लो, ये तारों भरी रात में चलने के लिए है, गलियों में खड़े होके नजारों को न कोसो, गलियों में खड़े होके नजारों को न कोसो, ये उम्र सितारों के टहलने के लिए है। इस तरह गोपाल सिंह नेपाली गाते थे, पूरा हॉल गूंज उठता था। शिशुपाल सिंह, ये सब मतलब नीरज जुरा जी को तो आप लोग सब जानते हैं, इनको भी बहुत सुना है, आप सभी ने सुना है, अभी तक सुना है, हम जरा सा और पुराने लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर निराला जी से जो सर पे उन्होंने हाथ रखा, और उसके बाद बड़ी हिम्मत बनी, उसके बाद ऐसा हुआ कि संगीत मेरा लिखना और संगीत मेरा जो पहला शौक है। तो उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं क्रॉसफिट की पढ़ी हूँ, तो जब बीए में गई तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संगीत नहीं था, संगीत सब्जेक्ट ही नहीं था, और इसी बीच मेरे पिता का ट्रांसफर हो गया, DIOS हो गए वो इटावा में। तो मैंने वहां पे के डिग्री कॉलेज में ऐसे ही प्राइवेट पढ़ने जाती थी, एक आध क्लास लेने, और बाकी घर में उस्ताद अफजल हुसैन नगीना को
से घर में मैंने शिक्षा प्राप्त की संगीत की, राग रागनी की। और उस समय आपको बताएं कि ये था कि 6 राग में, बस इंटर में 6 राग में लोग अपना चॉइस सॉन्ग रख सकते थे, जौनपुरी, मालकोस, भीम पलासी, जय जयवंती और भैरव, 2-1 राग ऐसे ही 6 राग में। और 2-1 राग ऐसे थे कि जिनको खाली बस आरोह अवरोह पकड़ गाना है, क्योंकि वो इतने मुश्किल राग थे उसमें कोई गा नहीं सकता था। तो हमने कहा राग तोड़ी तोड़ी में बस आरोह अवरोह पकड़ गाना था, जो ठीक गाएगा वो ठीक, और आलाप। मैंने कहा कि मैं इसका चॉइस सॉन्ग रखूंगी, इसमें छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, अलाप, तान सब कहूंगी। आपको बताएं जिस समय मेरा एग्जामिनर एग्जाम दे रहे थे, उस समय उस कॉलेज के मैनेजर और प्रिंसिपल ये सब मतलब सुनने के लिए आए थे हमारा गाना, हम इतने मगन होकर गा रहे थे। आज भी कभी भी क्लासिकल म्यूजिक जब सुनती हूँ तो उतना टाइम नहीं है, ईश्वर से मनाती हूँ कि जब मेरा अगला जन्म हो तो कलम के साथ और तानपुरे के साथ हो, है ना। तो सब सुनने आ गए थे, मुझे बड़ी हिम्मत मिली, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं मुझे जब फिर पापा का जब ट्रांसफर यहाँ हो गया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में म्यूजिक ही सब्जेक्ट नहीं था, तो मुझको बहुत गुस्सा लगी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और यहाँ म्यूजिक सब्जेक्ट ही नहीं है और हम म्यूजिक के बिना जिंदगी नहीं रह सकते। तो हमने महादेवी वर्मा के स्कूल में महिला विद्यापीठ, जहाँ वो प्रिंसिपल थी, और तो वहाँ अपना नाम लिखाया। तो वहाँ पर हम लोगों को वहाँ वहाँ नाम लिखा नहीं, मतलब बड़ा वो लगता था और अच्छा लगता था कि हम माँ देवी वर्मा जी के स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोग को पढ़ाते थे ये जो आज राम जी पांडे हैं, इनके पिता थे गंगा प्रसाद पांडे। तो ये मतलब ये यश मालवी आजकल है ना, तो इनके दादाजी हैं, इनकी वाइफ के दादा हैं वो। तो वो हमको हिंदी पढ़ाते थे, गंगा प्रसाद पांडे। मैं बहुत पुराने लोगों की बात करूंगी, नए के लोगों को तो मोबाइल पे पेश कर करके लोग, और वो खुद भी जा जाके इतना फेमस हो गए हैं कि निराला प्रसाद और पंत और ये बड़े बड़े सब लोग एकदम किनारे लग गए हैं, है ना। तो मैं पुराने लोगों की बात कर रही हूँ। तो गंगा प्रसाद पांडे मुझको हिंदी पढ़ाते थे, तो एक दिन बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे कि जब वो पढ़ाते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था और हम लोग उनका एक टक उनको देखते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन पूछा कि आपके, और बड़ी अच्छी अच्छी साहित्यिक बातें बताते थे, पुराने पुराने लोगों की, श्रीधर पाठक और सबकी सबकी बातें बताया करते थे, इतना अच्छा ध्यान लगा के हम लोग सुना करते थे। आजकल के लोगों के सामने तो बात करो तो कहेंगे अरे इनको तो हम जानते नहीं, पता नहीं कौन है। हम लोग बड़ा बड़ी भक्ति से सुनते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप लोग में कोई लिखता भी है कुछ, तो इतने बड़े वो साहित्यकार खुद भी। तो हमने हमने सबसे जोर से कहा, क्योंकि हमारा सबने पढ़ा था, हम अपनी सहेलियों को पढ़ाया करते थे कहानी लिख लिख के, तो हमने कहा नहीं कोई नहीं लिखता। तो एक हमारी सहेली थी कुमुद, कुमुद माथुर, तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर प्रमदा लिखती है। तो हमने कहा नहीं नहीं हम कुछ नहीं लिखते, कहने लगे कि कल लेके आना जो लिखा है। तो हमने कहा सर हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो हम आपको दिखा पाए। तो बोले नहीं लेके आना, वो तो हम देखेंगे ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी मानेंगे। तो दूसरे दिन हम लेके गए, वो ले गए घर, उन्होंने महादेवी वर्मा को दिखाया। महादेवी वर्मा बहुत खुश हुई, उस समय उनका वामा का कुछ हुआ था वो मालूम, उतना ज्यादा याद नहीं। और उनसे तमाम प्रतिनिधि मंडल जाने कहाँ कहाँ से मिलने आते थे। तो एक जापान से आया हुआ था प्रतिनिधि मंडल। तो जब हमको हमको गंगा प्रसाद पांडे जी ने कहा, मैं उनको हाथ जोड़ती हूँ अभी भी कि उन्होंने मुझको मिलाया उनसे। तो उन्होंने कहा कि प्रमिला आज आप ऑफिस चली जाइएगा,
महादेवी जी आपको जब पर्ची भिजवाएंगी तो आप अपनी पर्ची दीजिएगा उसको, बैठी है जो आया, और वो फिर आपको बुला ले जाएगी अंदर। तो हमने कहा कि अच्छा उनकी आज्ञा, हम कैसे बहुत डरते भी थे उनसे, तब बढ़िया पढ़ाते थे और इतने रोबीले थे कि हम आपको क्या बताएं। तो गए जाके वहाँ चुपचाप उसको प्रमिला शर्मा लिख के, शर्मा थे तब, प्रमिला शर्मा लिख के और दे दिया आया को। वो जापान का प्रतिनिधि मंडल निकला, फिर कोई आए, बहुत सारे लोग मिलके गए, फिर वो भी निकल आए, हम बैठे रहे, फिर हमको बुलाया महादेवी वर्मा जी। उन्होंने हमारी कहा कॉपी उनके हाथ में थी, तो हमसे कहने लगी कि ये तुमने लिखा है। हमने कहा, हमने कहा कोशिश की है लिखने की, तो आपको बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ के लगता हम भी कुछ लिखें। तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, कहने लगी तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम हमारे पास आया करो। तो समझ लीजिए कि ये दोनों महान लोग का एकदम आशीर्वाद प्राप्त करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी भी अपने जितने पुराने लोग हैं, स्नेहलता स्नेह जी, ज्ञानमती सक्सेना जी, सावित्री शर्मा दीदी, माधवी लता दीदी, इंदु मती कौशिक दीदी, और बहुत सी दीदी, अगर हम बैठ के कभी कभी याद करते हैं, इन सबको प्रणाम करते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी है, निराला जी, माता पिता, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ईश्वर सरस्वती माता का, फिर माता पिता ने जो कुछ दिया, फिर उसके बाद हमारी संगत ऐसी थी, हमारा मोहल्ला ऐसा था, उसमें इतने साहित्यिक कार्यक्रम होते थे कि शुरू शुरू में हम दुर्गा पूजा के आखिरी दिन कवि सम्मेलन होता था, आपको क्या बताएं, तब हम छोटे से बच्चे थे, फ्रॉक पहनते थे, तब हमको कविता का अंदाज ही नहीं था कि ये गाना हमें शुरू से बहुत आता है, सारे फिल्मी गाने हमें आते हैं जो जितने पुराने हैं क्योंकि हमारे चाचा गाते थे, हम उनको रट लेते थे। हमारे चाचा बहुत बढ़िया गाते थे, इतने बढ़िया सिंगर थे, पंडित केशव नारायण शर्मा, इतने बढ़िया सिंगर थे कि आदरणीय। देखिए अभी आज हमारे पास एक आपकी आपके लिए किसी ने कुछ कहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो इस समय आपके साथ साझा करूं। नमस्कार, श्रीमती प्रमिला भारती जी को उनके जन्म दिवस पर इस वर्ष बधाई देते हुए मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि प्रमिला जी उस पीढ़ी की रचनाकार हैं जिसकी जड़ें महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से पोषित और पुष्पित पल्लवित होती हुई आज प्रमिला जी के रूप में हमारे साथ हैं। उनको नमन और उनकी लेखनी को नमन करते हुए मैं उन्हें उनकी ही एक कविता याद दिलाना चाहती हूँ, जो उन्होंने रिटायर व्यक्ति के दर्द को, उसकी मनोस्थितियों को, उसकी अभिव्यंजना को व्यक्त करते हुए उस समय लिखी थी जब वे संभवतया रिटायर नहीं हुई थी। एक संघर्षशील जीवन और संघर्षशील रचनाओं के माध्यम से वे सदैव हमें प्रेरणा देती रहें, यही आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आदरणीय अमिता, डॉक्टर अमिता दुबे जी हमारे साथ, उन्होंने बहुत बहुत आपके लिए भेजा। हम आपको बीच बीच में आपको इस तरह से चमत्कृत करते रहेंगे प्रमिला जी, और आप जो यादों के गलियारों में जब बहुत अंदर तक जाने लगेंगी, तब हम आपको बार बार लेकर यहाँ पर वापस आएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज आप बहुत, आपके लिए भी ये दिन बहुत वैसा है, और हम सभी के लिए, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, उन सभी को
सुनना अच्छा लग रहा है। और ये आपके जन्मदिन के लिए खास तौर से डॉक्टर अमिता दुबे ने दिया था, लेकिन क्योंकि उस वक्त आपका ये कार्यक्रम हम नहीं कर सके थे तो हमने इस को बिना एडिट किए ऐसे ही रख लिया अपने पास। तो अब आगे की बात हम बढ़ाते हैं और आदरणीय विदुषी और हम सब की प्रेरणा रही महाकवयित्री महादेवी वर्मा जी का आशीर्वाद आपको मिला, तो आगे फिर ये लेखन कार्य कैसे आगे बढ़ता गया? मुझे बताया ना, मेरे पापा ने जो चौथे क्लास में एक डायरी दी थी तब से मैं लिखती थी, और उसी में लिखते लिखते कि आज मिस बासु ने ये कहा, आज मिसेस धर ने ये कहा, तब ये ऐसे ही चलता था क्योंकि आजादी के पहले का स्कूल था, हिंदी नहीं बोली जाती थी। आज मिस बासु ने ये किया, ये सब लिखते थे। उसके बाद कविता लिख दी, फिर उसके बाद एक कविता और लिख दी, मेरा भैया बड़ा निराला मेरा भैया। उसमें उस समय तक ये समझ में आने लगा था कि एक स्टंजा लिख के मेरे घर में है एक गैया, नाचा करता ताता थैया। ये अपने आप अपने अंदर से इतना सुना है लोगों को, इतने बड़े बड़े लोगों को सुना है कि उनके विचार जो है ना कहीं ना कहीं एक एक नस में भरे हुए हैं, है ना। तो वो एक बहुत पुरानी कवित्री, शायद उनका नाम है चंद्र कुमारी ओझा सुधी, शायद है ना। उनका इतना बढ़िया ये राग लगती थी कि हम बता नहीं सकते, सुनते थे मुग्ध होके, उनको सुनते थे बहुत छोटे थे। ले चलना है पार माझी, ले चलना है पार ना, ले चलना है पार माझी, ले चलना है पार ना, ले चलना है। और चंद्र कुमारी ओझा सुधी का मैं भूली याद बनूंगी, मैं भूली याद बनूंगी, मैं भूली याद बनूंगी, मैं भूली याद बनूंगी, तुम घिरे गगन मैं बनू पवन, तुम भरे नयन मैं करूं नमन, तुम हो चकोर मैं चंदा हूँ, तुम हो चकोर मैं चंदा हूँ, मैं का उन्माद बनूंगी, मैं भूली याद बनूंगी, मैं भूली याद बनूंगी। इन सब को मैंने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसकी भी वहां की और यादें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बीच में आपको बता दूं कि आदरणीय ममता किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि यादों को सुनना विभूत कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है ममता जी आपका, और आप आई बहुत अच्छा लगा। आदरणीय सपना एहसास जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सपना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पद्मा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पद्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ साथ। और दिशा पटेल जी हमारे साथ हैं, दिशा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ साथ। यादों की इन गलियों में आप बहुत सारे लोग आपके संग 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 उंगली पकड़ कर चल रहे हैं, तो अब आप हमें कहाँ ले जाना चाहेंगे? सुना है? जी। तो मैंने बताया ना कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में म्यूजिक ही नहीं थी, बताइए इतनी तपस्या वाला सब्जेक्ट
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। तो हमने भैया वहाँ एडमिशन ही नहीं लिया, हम चले गए वहाँ देवी वर्मा जी के स्कूल में। वहाँ अपना यहाँ तक बता चुके थे कि हमको गंगा रत्न पांडे जी हमको हिंदी पढ़ाते थे, उन्हीं ने हमको महादेवी वर्मा के पास वही ले गए, उनसे मिलवाया, उनसे बात करवाई, उनकी कहानियां हमको ले जा के दिखाते थे और फिर वो हमको बुलवाती थी, हम बहुत प्यार करती थी। तो मतलब इससे बड़ा हमें हौसला मिलता था। और दूसरी बात, मैं संगीत समिति भी जाती थी, मैं इस पढ़ने वाले स्कूल से आती थी सीधे घर और चाय पी और सीधे संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति दौड़ जाती थी। वहां हमारे संगीत प्रभाकर के जो टीचर थे आपटे साहब, वही टीचर वहां भी थे महादेवी वर्मा के स्कूल में। सुबह वहां वहां क्लास लेते थे और शाम को लेते थे संगीत समिति में। तो हम उनका बहुत इज्जत उनकी करते थे। जब समझ लीजिए वो इस संसार से गए हैं, तो हम लोग जाके वहां पर उनके चबूतरे पे बैठ के इतना रोए हैं, इतना हमारे पापा को संभालना हो गया, मुश्किल हो गया था हमें, हम घर में भी रोते रहते थे। तो आपटे जी हम लोग को सिखाते थे। तो उस समय अड़ाना राग एक होता है, बड़ा ऊंचा होता है, गगरी मोरी भरे नहीं दे रे बीच लगरवाया मत वार, गगरी मोरी भरे नहीं दे रे, ये बड़ा ऊंचा जा, जीत जाऊं ते आनो ही दौरते, अब ना रहूंगी गगरी मोरी भरन नहीं दे, गगरी मोरी भरन नहीं दे, नहीं दे नहीं दे। तो वो हमें सिखाते थे, बिल्कुल अपने पास बैठाते थे। और म्यूजिक कॉलेज में सबसे तेज, हमसे तेज एक लड़की थी प्रीति माथुर, बहुत अच्छा गाती थी। हम सोचते हैं कि हम उसकी तरह क्यों नहीं गा पाते थे। उसके घर भर में सब लोग, उसकी माँ भी संगीतक थी, उसकी बड़ी बहनें भी सब थी, हमारे यहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, तो किसी ने क्लासिकल म्यूजिक लिया ही नहीं था। तो सबसे तेज लड़की प्रीति माथुर थी, उसके बाद कुमुद माथुर जो हमारी सहेली क्लास में भी पढ़ती थी वहां, कुमुद माथुर उसके बाद हमारा नंबर आता था। तीनों तेज लड़कियां सबसे आगे, मतलब गुरु गुरुदेव के बिल्कुल पास बैठती थी, और वो कान एकदम यूं करके आंख बंद करके एकदम सुनते थे, और जरा भी स्वर बेसुरा हुआ नहीं कि उन्होंने एकदम आंख खोल के उस तरफ देखा। हम लोग सर से लेके पांव तक कांप जाते थे। हम पढ़ने वाले स्कूल से जैसे ही आते थे सीधे देखते थे, अगर सब लोग खाना खा रहे हैं, भूख बहुत कस के लगती थी, तो देखते थे सब लोग खा रहे हैं तो ऐसा लगता था कि टाइम वेस्ट होगा, अगर हम एक एक पराठा सीखने का इंतजार करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम सीधे तानपुरा लेके अपना चले आते थे और प्रैक्टिस करते थे, खूब जम के प्रैक्टिस करते थे। सवेरे 4 बजे उठ के रियाज करते थे, और यह रियाज हमारा हमारे हमारा जब विवाह हुआ है, विवाह हुआ तो हमारे पति को इतना कुछ नहीं पता था, बस हमने उनको खाली ये बता दिया था हमें अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारी मम्मी तुम्हें सब सिखा देंगी, हमने कहा तो फिर जब विवाह हो गया तब उनको, हमें रेडियो से प्रोग्राम आते थे तो हमको लेके वो जाते थे, बड़े खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, और बड़ी मस्ती में हमको लेके जाते थे इलाहाबाद, और खूब घूमते थे, सब सालियों सालों को खूब घुमाते थे, और हमको लेके रेडियो स्टेशन जाते थे रिकॉर्डिंग कराने के लिए, हम रिकॉर्डिंग करके आते थे। बड़े अच्छे शानदार दिन थे वो। फिर उसके बाद हमसे बोले कि तुमको इतना शौक है इसका, हम तुम्हारे लिए उस्ताद लगा देंगे, बहुत बहुत बड़े एक उस्ताद हैं यहाँ, उनको पता लगा है कि तुम क्लासिकल म्यूजिक भी गाती हो, तो हम तुम्हारे लिए उस्ताद लगा देंगे। तो हम बड़े खुश हुए, पर हमको, हमारा तो बहुत पुराने टाइप के पंडितों के घर में
विवाह हुआ था ना, जहाँ पूजा पाठ बाप रे इतना होता था कि बहुत पूजा होता था और दूसरे तीसरे दिन निर्जल व्रत हो जाता था। तो हमें, हम मम्मी से कहते थे कि आदरणीय मम्मी तुमने हमारी कहाँ शादी की है, यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन खाना पीना सब बंद हो जाता है। आदरणीय तो बहुत बहुत वो होते थे। बाद में हमारी सास ने, उनको हमारे पास दया आई, कितनी कमजोर सी है ये, तो उन्होंने बहुत सारे कहा मत करो, इसमें चाय पी लो, केला खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सब खिलाने पिलाने लगी थी हमें। हमने भी अपनी बहू को सब खिला दिया। तो वो हमको लेके जाते तो हमसे बोले कि तुम्हारा घर में तानपुरा है, कोई गाता है नहीं, तुम ले आना आपकी। तो हम मैके गए, तो हमने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मी हम ये तानपुरा लेते जाएं। तो हमारी एक छोटी बहन कोई बोली कि क्या हम लोग म्यूजिक नहीं लेंगे क्या, तो फिर नहीं लाए। तो हमारे हस्बैंड ने जब पूछा तो हमने कहा वो लोग भी म्यूजिक लेंगी ना, तो जरूरत पड़ेगी फिर खरीदना पड़ेगा उन लोगों को। तो हमारे हस्बैंड जो थे, एक दिन अब दोपहर में कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने हमसे। एक दिन दोपहर की गर्मी में, कूल, पहले एसी नहीं होता था, एसी होता ही नहीं था किसी के घर में, तो वो कूलर चला के हम लोग धुले धुलाए फर्श में आराम से लेटे हुए थे। हमको अपनी बगिया में, बहुत बड़ी सी बगिया थी हमारे घर के सामने, हमें अपनी बगिया में टुन 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 तानपुरे की आवाज सुनाई दी है। तो हमने देखा हमारे हस्बैंड, उससे पूछा जिन्होंने तानपुरा ला के दिया ऐसे कैसे ले जाएंगे घर, उसने उनको पकड़ना बताया कि ऐसे पकड़िएगा, उसका तुम्बा आगे रहे और डांडी जो है पीछे रहे, और ऐसे बजाया जाता है, उनको बजाना बता दिया। वो भैया बजाते हुए चले आ रहे थे। हमने जो तानपुरे की टुन टुन आवाज सुनी तो बड़ी तेजी से हम दौड़ के पर्दा उठा के, जो हमने देखा नहीं देखा कि अरे कि इतना ख्याल करना कि उनको पता भर लग जाए कि हमारा ये मन है और या हम इस चीज का शौक रखते हैं, वो फौरन पूरी होती थी। और हमारे ससुर जी तो ऐसे थे कि हम दिन भर चहका करते थे, अकेली बहू थे, जिसको देखो वही हमको आवाज देता था, जिस दिन जरा भी चुप हो जाए तो वो सब के क्लास ले लेते थे, हमारे हस्बैंड की भी लेते थे और हमारी सास की भी लेते थे कि किसने किसी ने वृंदा को कुछ कहा है क्या, क्यों चुप है वो। ये सब यादें यादें हैं, हम याद करके बहुत अच्छा लगता है, और इन्हीं यादों के, इन्हीं कीमती यादों के सहारे हमारा जो लेखन है मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार है, करुण रस है। इन्हीं सब, और कोई जरूरी नहीं कि हम अपने बारे में ये सोचें। हम जो सैनिकों की पत्नियां नहीं रही थी, सैनिक नहीं रहे थे, तो उनकी पत्नियों के बारे में सोच के हमने एक मुखता लिखा था, है ना। तो कोई जरूरी नहीं, कोई कोई सीन अगर हमने देख लिया इसमें टीवी में, तो हमको ये लगता था कि बड़ा दुख लगता था, उस पर हम कुछ लिखते थे। अभी भी टीवी, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमसे घर में कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, तो हम या तो कलम के साथ रहते हैं और या टीवी में हम न्यूज़ देखते हैं, और कोई करुणा उपस्थिति है तो तुरंत उसको लिखते हैं। तो यही। और फिर मैं क्या बताऊं, हाँ, यहाँ यहाँ पति हमको हर जगह ले आते थे और कई जगह हमारे साथ वो कवि सम्मेलन में भी गए और बड़े खुश होते थे जब वन मोर होता था। और खूब खूब फोटो खींचती थी, और जब फोटो खींचती थी तो फ्लैश वाला कैमरा आता था, तो पूछो फोटो खिंचाने का तो हमको भी बड़ा शौक था यंग एज में बहुत। तो जैसे ही फ्लैश वाला कैमरा आता था, बड़े अलर्ट हो जाते थे और बहुत खुश होते थे कि आहा अब फोटो खींचेगी। लेकिन इतने बेवकूफ थे कि ये सोच के खुश हो जाते थे, पर ये नहीं कहे फोटोग्राफर से कभी कहा कि इसकी कॉपी हमको दे दीजिएगा। वो तो सवेरे जब पेपर में निकलता था
तो हमारे भाई बहन पेपर कटिंग काट के और एक उसमें चिपका लेते थे पापा के बारे में, हमारे बारे में जो भी निकलता था। बाद में जब ससुराल चले आए तो वो उसको नहीं भूले, वो अपने साथ ही लाए, उसमें हमारे बच्चे चिपकाने लगे बच्चों ने चिपका दिया। इस तरह हमारे पास इतना हो गया, मतलब हम नहीं चिपकाते थे, बच्चे अपना पेपर पेपर में कुछ निकला काट के और रजिस्टर में खूब संभाल के चिपका दिया। पुरानी पुरानी इतनी पुरानी पुरानी चीजें उसमें मिलेंगी, इतने पुराने पुराने कवियों के नाम, कवि मैं अभी भी उन सबको प्रणाम करती हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ वो मतलब बहुत ज्यादा सुना है मैंने, बहुत ज्यादा पढ़ा है, ये नहीं कि मतलब एक दो सुन लिया और उसी का चुरा लिया, थोड़ा सा उसका चुरा लिया, थोड़ा सा उसका चुरा लिया, बन गई कोई कोई फिल्म का चुरा लिया, बन गई कविता, ये समझो मैंने इतने। हाँ जी बोलिए। जी, आपकी स्मृतियां कुछ हमने संजोई हैं और हम चाहते हैं कि वो आपके साथ साझा करें। अरे वाह वाह भाई, बहुत अच्छा लगा बेटा, तुमने इसे सुरक्षित कर लिया। राजुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाशक अरे की बहुत धन्यवाद आपको। अरे, इसमें इस इनमें एक तस्वीरों में आप एक मुशायरा भी, एक मुशायरे की तस्वीर है, एक श्याम नारायण पांडे जी के साथ की तस्वीर है। श्याम नारायण पांडे जी के साथ की स्मृति तो आपने हमारे साथ साझा की, और आदरणीय महादेवी वर्मा जी ने आपके जो पहला काव्य संग्रह था बिछड़ा पल, उसके बारे में उन्होंने शायद भूमिका लिखी थी। भूमिका लिखी थी जी हाँ, और उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी है, आपकी पहली जो पुस्तक थी उसमें उनका भी है। तो वो जो मुशायरे वाली तस्वीर थी उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। उसमें उस तस्वीर में आप शायद आदरणीय नूर साहब भी थे उसमें। हाँ वो तो बुद्धि है। फिर उसके बाद पति का जिक्र कर रहे थे कम से कम इतने दिनों तक साथ रहना था तुम्हें, जितनी मैंने काट दी है जिंदगी तेरे बगैर, तो उनकी बात कर रहे थे। तो चले गए बीच में पतवार छोड़ के हमको नाव चलाना आता नहीं था, बहुत मुश्किल पड़ी, बहुत मुश्किल पड़ी। खैर उसके बाद हमको बैंक में नौकरी मिली। उसके पहले तो म्यूजिक टीचर थे इलाहाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में, हमारी पोस्टिंग हुई थी। उसके साल भर बाद ही शादी हुई
और हम लोग पुराने टाइप के ब्राह्मण परिवार की बहू थे। हमारी सास ने कहा कि सब कहेंगे कि कितने पैसे की इनको जरूरत है, ससुर भी कमाए पति भी कमाए, एक एक ही एक बहू है उसको भी कमाने भेज दिया, जाने कितना पैसा ये लोग चाहते हैं। तो हमको खड़े खड़े 15 अगस्त का फंक्शन हमने तैयार कराया था हमारे हस्बैंड ने, उस फंक्शन के बाद खड़े खड़े हमको फंक्शन उन्होंने देखा और उसके बाद हमको इस्तीफा दिलवा के लखनऊ ले आए। 10 साल हम बहुत आराम से रहे और लगता था कि यही चलेगा, अब ऐसा ही जीवन हमारा चलेगा, हम ऐसे ही अपने बच्चों के साथ दोनों लड़कियों के साथ बहुत खुश। बेटा नहीं था तब भी हमारे हस्बैंड हमारी दोनों दोनों बेटियों को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, और हम तो करते ही थे, हम तो माँ ही है। और पूरा घर मतलब बड़ी बेटी हमारी, हमारी बड़ी बेटी जो भी हो तो वो जब सोती रहती थी तो हमारे ससुर आके वहीं खड़े रहते थे कि उसकी आंख खुले और वो शंख बजाए और उसका पैर छूए तो इतना प्यार करते थे सब लोग। फिर उसके बाद पति का देहांत हो गया एकदम अचानक, ऐसे हुआ कि हमको तो समझ ही में नहीं आया कि ये हुआ क्या, हम नहीं समझ पाए, बहुत दिन तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। फिर हमको बैंक में 10 दिन के अंदर नौकरी दे दी गई, हमारे जोनल मैनेजर आए बोले इनको कहीं ना जाना पड़े, इस घर में एक एक महीना भी नहीं बीते बगैर तनख्वाह के। हमारे पति का 7 तारीख को, 7 फरवरी को 77 को देहांत हुआ था, 25 फरवरी को हमको ज्वाइन करवा दिया गया। हमारे सास से कहा उन्होंने ये सम्मत देखिएगा कि 1 महीना हो जाए पूरा तुरंत ज्वाइन करवाइएगा, तो हमने ज्वाइन किया। जाते थे बैंक, क्या क्या बोल रहे थे बैंक नूर साहब, नूर साहब तो बैंक में पहले हमारी चौक ब्रांच में हजरतगंज में पोस्टिंग हुई, उसके बाद हम चौक ब्रांच आए। तो चौक ब्रांच में से जब लौटते थे वहां पर मलिक ज्यादा मंजूर साहब बहुत आते थे, और मलिक ज्यादा मंजूर ऐसे थे कि पहले गंगा जमनी कवि सम्मेलन बहुत होते थे। हम आपको बताएं हमने वाली आसी साहब के साथ पढ़ा है जो कि प्रभात कुमार और मुनव्वर राणा जी के गुरु रहे हैं, उनके गुरु के साथ हमने पढ़ा है। वाली आसी जी का एक होटल था, हम जब भी चौपटिया से वहां जाते थे तो उनके होटल में उनको प्रणाम करने के लिए जरूर रुकते थे, वो हमें चाय भी पिलाते थे और बहुत से शेर सुनाते थे। तो पहले बहुत गंगा जमनी होता था, उसमें नूर साहब भी हैं, हम भी हैं, सावित्री दीदी भी हैं, मधुरिमा भी हैं, ज्योति सिन्हा भी हैं, बहुत से लोग रहा करते थे और सब पढ़ा करते थे। गंगा जमनी बहुत होते थे, बहुत नसीब निखत अंजुम अंजुम रहबर और नसीब निखत और ताजवर सुल्ताना मुझको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मेरा फैजाबादी बहुत पसंद है जो कि ताहिर फराज के शायद शायद गुरु हैं, मालूम नहीं पक्का, और मेरा फैजाबादी तो नूर साहब के गुरु के शिष्य। तो वहां से वहां हमको ये मलिक ज्यादा साहब, मलिक ज्यादा मंजूर साहब कई कवि सम्मेलन में ले गए, और अदा देहलवी भी बहुत किया करती थी, अब वो भी नहीं है, उनको भी प्रणाम करती हूँ। मंजूर साहब भी नहीं है, कोई नहीं है हमारा, अब तो प्रणाम करती हूँ उन सबको। तो अदा देहलवी हमको नाजिश प्रतापगढ़ी के उसमें ले गए हैं मुशायरा और कवि सम्मेलन में, और वहां आपको बताएं ऐसे ऐसे लोग थे, इतने पुराने पुराने कवि थे कि जिनको आप लोगों ने देखा ही नहीं है, वो हमारा भाग्य था। अब हमें उनको तस्वीरों में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं या गजलों का कुछ भी निकलता है तो उसमें उनको तस्वीरों में देखते हैं, उनके सामने हमने पढ़ा है, उन्होंने हमको बहुत
बहुत पसंद किया, तो बड़ा अच्छा लगा। उनको सब कुछ सुना है हमने, हमें हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हमने इतने बड़े बड़े लोगों को सुना है, कि हम क्या बताएं। हमने फिराक गोरखपुरी को भी सुना है, हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को भी सुना है। वो इलाहाबाद में दुर्गा पूजा के बाद एक दिन कवि सम्मेलन होता था, उसमें इन सबको बुलाया जाता था, फिराक गोरखपुरी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, और कोई ज्योति थी उस समय एक कवित्री, चंद्र कुमारी सोझा ओझा सुधी, ये सब आती थी। अच्छा, हम लोग फ्रॉक पहने सबसे आगे दरी पे बैठ जाते थे सब बच्चे। तो उसके बाद तब उस समय कुछ नहीं समझ में आता था, ये समझता था ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये इनका नहीं अच्छा है। तो जब फिराक गोरखपुरी पढ़ने रखते थे, तो फिराक गोरखपुरी का ये अंदाज था कि पढ़ते समय वो एक शेर पढ़ने के बाद यू कर लेते थे और बहुत देर तक ऐसे किए रहते थे, तो फिर दूसरा शेर पढ़ते थे। तो हम लोग कहते थे ये नहीं अच्छा पढ़ रहे, शेर समझ में तो आते थे नहीं, दिमाग था ही नहीं इतना, तो कहते थे ये नहीं अच्छे। जब चंद्र कुमारी ओझा सुधी ये खड़ी होती थी तो बहुत जोर से ताली बजाते थे, बड़ा सुंदर गाती थी। फिर उसके बाद जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा वो पढ़ते थे, आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की, डर डा ना ना ना, देख कर क्यों देख कर दर्द भर रहे हैं, जो प्रतीक्षा रात की थी वो बनी अब प्रात की, आज मेरी प्रार्थना रिमझिम बनी बरसात की। डॉक्टर राम कुमार, ये मेरा गीत नहीं है, मैं ऐसा लिख ही नहीं सकती कभी, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का गीत है, जो कि मेरे बचपन से बचपन मेरे दिमाग में एकदम घर कर गया था, वो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं नूर साहब के बारे में बता रही, भटक जाती हूँ बेटा बार बार, तो नूर साहब के बारे में बता रही थी। तो मतलब मलिक ज़ादा साहब हमें बहुत उर्दू एकेडमी यूनिवर्सिटी बहुत जगह पढ़वाया, मलिक ज़ादा साहब ने हमको बहुत, मिराज फैजाबादी वगैरह के साथ हम पढ़े हैं। फिर उसके बाद हमारे पिता हमारे बच्चों को देखने कभी कभी, माता पिता दोनों आते थे, क्योंकि हम तो बैंक जाते थे, हमारा छोटा सा बेटा था नन्ना सा, हस्बैंड के डेथ के 7 महीने बाद उसका जन्म हुआ था, तो उसको पालने के लिए वो लोग किसी ना किसी को आना ही था, कभी नंद आती थी कभी माता पिता आते थे। तो फिर उसके बाद पिता पिताजी वहीं थे, और हम लोग दानिश साहब के पास, मतलब हम एक लड़का था जो कि हमारी भाभी की मामी का लड़का लगता था, बड़ा स्मार्ट, उसका नाम था प्रभात कुमार, आजकल वो प्रभात कुमार सर्वर नाम से शायरी करता है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत किताबें लिखी है उसने, लखनऊ का है। तो हम लोग में हम उसको बिल्कुल छोटा भाई मानते थे, बहुत हम उसको प्यार करते थे और भी करते हैं। तो उसके साथ जाते थे हम लोग दानिश साहब के पास, तो दानिश साहब ने एक दिन हमारी कविता सुन के कहा, हमारे पति का देहांत हो चुका था, ज्यादातर कविताएं करूण रस में वियोग श्रृंगार की रहती थी, तो उन्होंने ये कहा कि जितना मतलब एक महिला अंदर तक फील कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों उन्होंने कहा था। अब पुरुष लोग नाराज ना हो, हम महिलाओं की तरफदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो दूसरे की अपनी सब की बात को बहुत ज्यादा कह, लेकिन सब पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, कोई कोई पुरुष बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दूर से ही देख के समझ जाते हैं कौन दुखी है कौन सुखी है, किसको क्या परेशानी है। मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का नाम जरूर लूंगी इसमें, और मैं सुरेश बिंदल जी का नाम जरूर लूंगी, क्योंकि
सबकी परेशानी में एकदम कूद पड़ना, ये लोग तो मैं इन लोगों को, इन दोनों को महानुभाव मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस धरा को स्वर्ग बनाने में इन लोग का बड़ा हाथ है क्योंकि सबके सुख दुख के साथी हैं ये, है ना। तो फिर मैं यही बता रही थी कि दानिश साहब का देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया तो बड़े दुखी हुए, बहुत रो पीटे। फिर उसके बाद एक दिन वो आया हमारे पास, प्रभात सरवर लखनवी। अब हम उसको, बहुत बड़ा शायर हो गया है ना, तो हम उसको सरवर लखनवी कहेंगे, और वैसे हम उसको प्रभात कहते हैं। तो वो आया हमारे पास, कहेंगे दीदी दीदी चलिए आज हम लोग नूर साहब के यहाँ चलते हैं। तो नूर साहब आते थे हमारे यहाँ वो कभी कभी, तो हम वो दोनों जने पहुँचे। नूर साहब बड़े खुश हुए, तो उनका बैंक, उनका उसी बैंक में उनका अकाउंट था। तब तो वो बहुत ही खुशी हुआ, हम चौक से आए आए थे सुभाष मार्ग बैंक में। तो तब तो हम लोग अक्सर नूर साहब के पास जाने लगे, जो लिखते थे तो उनको जाके दिखाते थे, जो बहुत बढ़िया लिखते थे तो बहुत शाबाशी देते थे। और तब नूर साहब की पत्नी थी, उनको हम मम्मी कहते थे। तो मम्मी नूर साहब तब शायद डाक खाने में, ठीक से याद नहीं है बेटा, अगर गलत हो तो माफ कर देना, सर्विस करते थे। तो वो ऑफिस में होते थे, तो हम जाके मम्मी के पास बैठ जाते थे, तो मम्मी हमसे गीत सुनती थी, और मम्मी भी रोती जाती थी और हम भी रोते जाते थे गीत सुना के, है। तो फिर नूर साहब बाद में आ जाते थे, तो नूर साहब भी बहुत प्यार करते थे। तो समझ लो उनकी सबसे बड़ी बेटी हम अपने को समझ रहे, अरुण से भी बड़ी, अरुण तो बेटा है उनका, छोटा है, लेकिन हम सबसे बड़े, शशि शशि अरुण सबसे बड़े। बहुत प्यार करते थे। तो फिर उसके बाद हम लोग नूर साहब के पास जाने लगे। फिर नूर साहब अपने यहाँ हर नशिस्त में हमको बुलाते थे, फिर हम पापा को लेके जाते थे, पापा आज नशिस्त है नूर साहब के यहाँ। नूर साहब कहते थे पापा को भी ले आना, पापा भी सुनाते थे बहुत बढ़िया गजल, बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं कि हिंदी गजल बाद में आई है, हमारे पापा तो जाने कब से लिख रहे थे। लेकिन वो सब किताबें हमने अपने भतीजे को एक रामनामी दुपट्टे में बांध के दे दी थी, जो कि खो गई सब, तो हमारे पास भी नहीं है, नहीं तो हम आपको देते, दिखाते सब उनका, हमारे पास भी नहीं है। जो पापा हमसे गवाया करते थे, बस जो हमारे स्वर में उन्होंने गवाया है, बस वही है हमारे पास, और बाकी उनका हमारे पास कुछ नहीं है। और आपको ये बताएं कि पापा हमको उसमें भी ले जाते थे, पापा बड़े धर्म के कट्टर नहीं थे, सबको बहुत प्यार करते थे, सबको बहुत मानते थे। तो उनको बुलाते थे वो लोग मर्सिया पढ़ने के लिए, पापा जाते थे तो उन्होंने एक मर्सिया लिखा था, तो हमको ले जाते थे, तो उसके दो लाइन हम सुनाते हैं, हमें ज्यादा याद नहीं है, दो लाइन इसलिए सुना देते हैं कि हमारे पापा का लिखा हुआ है। और पापा मतलब कोई भेदभाव नहीं मानते थे, सबको बहुत प्यार करते थे। इतरे गुले हदीके ईमा है फातिमा, इतरे गुले हदीके ईमा है फातिमा, वल्लाह सर से पांव तक, भूल रहे तो ये हम पढ़ते थे। प्रमिला जी आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाह रही हूँ। आपके जन्मदिन की बात हुई थी, आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे ने आपको जन्मदिन की बधाई दी थी, और शायद उससे ये बात हुई आपके जन्मदिन की। तो प्रमिला जी के जन्मदिन 28 जून को था, और वो निकल चुका है, लेकिन ये उस दिन मुझे प्राप्त हुआ था इसलिए मुझे मिल गया। तो आदरणीय शशि शुक्ला जी ने आपको बधाई दी है, आदरणीय राजेश राज जी ने आपको बधाई दी है, दिव्या त्रिवेदी जी ने, और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने बधाई दी है।
और आपने जगत नारायण शर्मा जी का जिक्र किया था, उनकी लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, तो अगर वो आपको याद हो तो सुना दें। एक जीवन गति विपरीत हो रही एक ये है, और एक उनकी कविता और है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, दो हम गाया करते थे। हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप अपना हमें एक दो लाइन सुना देते हैं, जो दो लाइन याद है हमको, क्योंकि वो हम लोग गाते थे जी। जीवन गति विपरीत चल रही तो चलने दो, जीवन गति विपरीत चल रही तो चलने दो, गति है इतना ही संतोष मुझे क्या कम है, गति है इतना ही संतोष मुझे क्या कम है। ये कविता अवध पहले ऑटोग्राफ लेने का वो था, तो जब हम लोग जाते थे कवि सम्मेलन में तो सब लोग ऑटोग्राफ लेने आते थे, तो ऑटोग्राफ में हमने बहुत लोगों को अवध कॉलेज की तो इतनी लड़कियों को दिया है, जो अब बूढ़ी हो गई होंगी उनके पास अगर ऑटोग्राफ होगा तो उसमें होगा मेरा ऑटोग्राफ, है ना। लॉरेटो में वहाँ डॉक्टर रमा सिंह के साथ ले जाती थी मुझे, तो वहाँ ऑटोग्राफ लेने थे, मैम ऑटोग्राफ दीजिए, तो हम सबको ये लिख के, और पिता पंडित जगत नारायण शर्मा नीचे लिखते थे और ऊपर प्रणब हासनी का ऑटोग्राफ दे देते थे। एक तो ये, और एक था दिन कटा तो रात, ये दो ऑटोग्राफ आपको बहुत जगह मिलेंगे, और जिसमें नीचे श्री जगत नारायण शर्मा लिखा है, तब पापा थे दुनिया में, तो नीचे हम लिख के, क्योंकि हमको ये दोनों उनकी ये रचनाएं बहुत अच्छी लगती थी। दिन कटा तो रात भी कट जाएगी, आज की दुनिया न कल रह जाएगी, है आप ढूंढना पड़ेगा। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, आप स्त्रियों के वो बड़े वो थे, स्त्रियों को आगे बढ़ाने में जी। आपकी रचना सुनने का एक सभी में सभी ने कहा है कि अब आपसे एक रचना सुनाने के लिए कहा जाए, तो आपकी एक कविता हम सुने, तब तक आप चाहे तो उसको छांट सकती हैं, आप अगर आप देखना चाहें तो हम तब तक ये आपकी थोड़ी सी हमने एक छोटी सी क्लिप बनाई है वो देख लेते हैं। हाँ, आप तब तक देख लें कि आप कौन सी कविता पढ़ने वाली है। ठीक है, जीवन सिंधु सिंधु में विप्लव पल पल बने भंवर, जीवन सिंधु सिंधु में विप्लव पल पल बने भंवर, कुछ तो कर दो राम के मन हो जाए लहर लहर, कुछ तो कर दो राम के मन हो जाए लहर लहर, चारों ओर दिखे नैनों को जल का पारावार, और दिखे हिचको ले लेता सपनों का संसार, घने कुहासे के चिन चिन बादल छाए, घने कुहासे के चिन चिन बादल छाए, लुका छिपी सी खेल रही है आशाएं, खेल खेल में बीत गए हैं पिछले तीन प्रहर, खेल खेल में बीत गए हैं पिछले तीन प्रहर, कुछ तो कर दो राम की मन हो जाए। आदरणीय प्रमिला जी, आपने कविता हो सक छाट ली होगी, आपसे अनुरोध है कविता सुनाएं। अच्छा अच्छा,
मैं सुनाऊं है जी। वो नारी, नारी को लोग बहुत कमजोर समझते हैं, और मैंने एक दोहा लिखा है जी। रामचंद्र जी के ऊपर ये आक्षेप आता है कि उन्होंने सीता जी को निकाल दिया, और सीता जी निकल भी गई, इतनी निरी थी। मैंने इसको अपनी दृष्टि से देखा है, मैंने इस दृष्टि से देखा ही नहीं कि सीता जी इतनी निरी थी कि उन्होंने निकाल दिया वो निकल गई, और ना राम जी इतने हृदयहीन थे कि वो इस अवस्था में उन्हें निकालेंगे। तो मैंने एक दोहे को अपनी दृष्टि से लिखा है कि सीता जी ने राम जी से कहा कि आपका प्रजापालक का रूप भी बना रहना चाहिए, और मैं अपने संतान की का पालन पोषण महलों में नहीं करना चाहती, तो आप इस मतलब इस छंद में देखें। छंद देखे सूर्यवंशी, सूर्यवंशी राम की किरण साथ में है लिए, वंश बेली वन में बढ़ाने चली आई है। सूर्यवंशी राम की किरण साथ में है लिए, वंश बेली वन में बढ़ाने चली आई है। धोबिन की दीनता को रानी सी बना के सिया, धोबिन की दीनता को रानी सी बना के सिया, शिखर पे राम को चढ़ाने चली आई है। धोबिन की दीनता को रानी सी बना के सिया, शिखर पे राम को चढ़ाने चली आई है। तो ज्ञान का प्रकाश महलों में कहीं खो न जाए, ज्ञान का प्रकाश महलों में कहीं खो न जाए, आगत संतति को पढ़ाने चली आई है। भावना समानता की शोषित ना होने पाए, कंचन से भूषण गढ़ाने चली आई है। भावना भावना समानता की शोषित ना होने पाए, कंचन से भूषण गढ़ाने चली आई है। देखिए बिल्कुल नया नया दृष्टिकोण है ना, बहुत सुंदर। अब आपसे एक कविता और सुनना चाहेंगे आदरणीय, और तब तक हम एक आप कविता निकाल लें, तब तक हम आपके लिए, हमने कुछ, किसी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, आप वो, मैं उनका नाम भी ले सकती हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक सरप्राइज है, तो आप देखें ये संदेश। बहन प्रमिला भारती जी मेरी अत्यंत प्रिय सखी हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे से अपनी बात कहते थे, बात करते थे। जब वो लखनऊ में थीं तो उनका कविता पाठ हिंदी संस्थान के कार्यक्रमों के अतिरिक्त और जगह भी सुनते थे। उनकी एक प्रसिद्ध कविता जो लोगों को बहुत याद आती है वो है मुझे गोद ले लो रिटायर हूँ मैं, वो आज के समय के आवश्यकता के अनुसार लिखती रहीं। और फिर इधर तो बहुत सारे कवि सम्मेलनों में और ऑनलाइन कार्यक्रमों में उनको सुनने का सौभाग्य मिलता रहा है। उनकी बेटी राजुल, बेटी इतना कर रही है उनकी रचनाओं को लेकर के, तो बड़ी खुशी होती है बेटियां कितना माँ के लिए करती हैं ये जान करके, देख करके संतोष होता है। मैं उनके जब साहित्य भूषण सम्मान मिला बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्हें बधाई दी मैंने। हम लोग साहित्य अकेदमी के कार्यक्रमों में जब दिल्ली में थी मैं, तो मैं उनके साथ बहुत हम लोग घूमे हैं। सावित्री शर्मा दीदी के घर जाते थे, रुकते थे साहित्य अकेदमी में, जहाँ रुकने की व्यवस्था थी हम लोग एक कमरे में रुके थे। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो साझा करने का बड़ा मन होता है। कहीं भी रहें वे स्वस्थ रहें, उनके प्रति हमारा सद्भाव इसी तरह सबका बना रहे, वे हम लोगों को इसी तरह स्नेह देती रहें, इसी तरह आत्मीयता बनी रहे। कोई भी बात व्यक्ति खासकर लेखक या तो अपनी रचना में उतारता है या अपने मित्रों से कहता है, तो हम लोग एक दूसरे से अपने सुख दुख भी बतियाया करते थे। ये आत्मीयता बहुत याद आती है, उनके प्रति मेरी हार्दिक सद्भावना है,
वे शतायु हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह सक्रिय रहें, वे सृजना में जुटी रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। बहुत अच्छा लगा। आप तो सुनती ही रह गए, और आपने कविता छाटी या नहीं छाटी? आप कविता छाट ली आपने? हाँ। आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी का ये संदेश उन्होंने बहुत प्यार से बनाकर भेजा, और बहुत सारी स्मृतियां भी उनकी ताजा हुई इसके साथ, और अच्छा लग रहा है प्रमिला जी आपके साथ स्मृतियों की इन गलियों में घूमते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपसे एक रचना का अनुरोध। आदरणीय मधु मधुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अबीर शर्मा जी हैं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय ममता किरण जी ने कहा है, विद्या जी को आज इतने दिन बाद सुनकर बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत बहुत इतना अच्छा लगा जब उन्होंने इस अनुरोध को तुरंत मान लिया। और आदरणीय शशि शुक्ला जी ने भी कहा है, उन्होंने प्रणाम कहा है डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को। तो आदरणीय, अब आप कौन सी रचना सुनाने जा रहे हैं? मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम बच्चे जब बहुत छोटे छोटे थे और जो कुछ समाज को देखा उसका कुछ लग रहा है कि जी स्वागत। कुछ भी करते थे तो ऐसा लगता था कि हमने तो ऐसा की कहा ही नहीं, पता नहीं क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं। बच्चों की शादी विवाह की किया, बहुत लोग नाराज हो गए, और ऐसा लगा कि जो घटना हुई नहीं है वो पेपर में छप रही है, जो हुआ ही नहीं उसको लोग समझ रहे हैं। तो बहुत दुखी हुए और बहुत रोए, महीनों रोते रहे। तो उसके बाद हमने ये एक गीत लिखा है। किरचों से मांगे अब बिंब क्या भला कोई, किरचों से मांगे अब बिंब क्या भला कोई, पत्थर से टकराया दर्पण का सपना। किरचों से मांगे अब बिंब क्या भला कोई, पत्थर से टकराया दर्पण का सपना। झांका सबके मन में, झांका सबके मन में, तो अपने को पाया, अघटित घटनाओं का खबरों पे छपना। झांका सबके मन में तो अपने को पाया, अघटित घटनाओं का खबरों में छपना। ये सिर्फ घर की बात नहीं है, ये पूरा मोहल्ला का ऐसा होता है कि जिसका पति नहीं रहता उसके ऊपर छोटी छोटी बात पर उंगली लोग उठा देते हैं और उसको दुखी करते हैं। देखे अंतरा, देखे मृग ढूंढे कस्तूरी पर क्या हम ढूंढे, मृग ढूंढे कस्तूरी पर क्या हम ढूंढे, बालू के नन्हे घरों दे भी खोए, मृग ढूंढे कस्तूरी पर क्या हम ढूंढे, बालू के नन्हे घरों दे भी खोए, घिरते सन्नाटों में कब तक यूं घूमे, अब सपनों की अर्थी को कांधों पे ढोए, कांधों पे ढोए। अब देखिए, पांवों के छालों से देखा कब किसने है, रेतों के जंगल में अंकुर का उगना। पांवों के छालों से देखा कब किसने है, रेतों के जंगल में अंकुर का उगना।
किरचों से मांगे। देखे बंद फूलों के सम्मोहन जगने हैं छाटे, उपवन में छोड़े हैं कांटे ही कांटे। फूलों के सम्मोहन जगने हैं छाटे, उपवन में छोड़े हैं कांटे ही कांटे। चुनते चुनते उनको पूर हुए घायल, चुनते चुनते उनको पूर हुए घायल। खो उलझी टूटी खोई चांदी की पायल, चांदी की पायल। रात भर चले फिर भी, रात भर चले फिर भी देख नहीं पाए हैं पूरब की लाली से सूरज का उगना। रात भर चले फिर भी देख नहीं पाए हैं पूरब की लाली से सूरज का उगना। किरचों से मांगे छूटे अग जग से क्या दामन क्या चोली, देख रहे नीलामी अपनी ही बोली। दर्दीले मौसम ने ऐसा झकझोरा, दर्दीले मौसम ने ऐसा झकझोरा। बिखर गए सपने खाली अपनी झोली, खाली है झोली। तो ढाके की मलमल का मोल कौन देता है, ढाके की मलमल का मोल कौन देता है। घुट घुट कर गाढ़े सा जीवन का नपना, ढाके की मलमल का मोल कौन देता है। घुट घुट कर गाढ़े सा जीवन का नपना। किच्छों से मांगे अब बिंब क्या भला कोई, पत्थर से टकराया दर्पण का सपना। झांका सबके मन में तो अपने को पाया, अघटित घटनाओं का खबरों में छपना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक स्मृति, स्मृति नहीं बल्कि हम कहेंगे एक संदेश है जो अब आपके लिए। नमस्कार, आदरणीय प्रमिला भारती जी का नाम आते ही मेरे समक्ष एक स्नेहमयी मधुर सर की स्वामिनी अपनी आत्मीय सी एक छवि उभर के आ जाती है। आपको सबसे पहले मैंने भारतीय लेखिका परिषद की गोष्ठी में देखा था, उनके कोकिल कंठी वाणी और हृदय को छूने वाले भावों से ओत प्रोत कविताओं को सुनकर उनके प्रति जो प्रभाव मेरे मन में अंकित हुआ था, वो उत्तरोत्तर उनके बारे में जानने और उनकी कविताओं से परिचित होने के साथ साथ उस क्रम में अधिक गहरा होता चला गया। संयोग से जब मेरे पापा कवि श्री कृष्णेश्वर डींगर जी ने उनकी प्रशंसा की, तब मुझे पता चला कि वो प्रयागराज में भी रही हैं, और यह जानने के साथ उनके प्रति आत्मीयता के सूत्र और अधिक गहरे हो गए। मेरे लिए ये निर्णय करना बहुत कठिन है कि उनकी रचनाएं मुझे अधिक प्रभावित करती हैं, उनकी मैं अधिक प्रशंसक हूँ, या फिर उनके स्नेहिल व्यवहार की। अलका प्रमोद जी ने बड़ा ही सुंदर संदेश दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर संदेश दिया था उन्होंने, और बहुत सारी बातें आपके साथ उन्होंने जो जुड़ी हुई हैं उनको याद किया था। प्रमिला जी, अब आप कार्यक्रम का समय भी हो गया है, तो अब आप कौन सी एक रचना सुनाना चाहेंगे? एक पुरानी रचना, बहुत पुरानी है। स्वागत। बिछड़ा पल। एक दिन हम लोग बैंक में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, हम सब क्लर्क वगैरह, और सारे खाना वाना खा के
डाइनिंग टेबल पे बात होने लगी। तो ये हुआ कि आज का दिन बीतेगा तो कल का आएगा, कल का बीतेगा तो परसों का आएगा। काश कभी ऐसा अगर हो जाए कि आज का दिन बीते तो पिछला कल आ जाए और पिछला कल बीते तो और पिछला कल आ जाए, ये पहिया उल्टा घूमने लगे तो कितना अच्छा रहे। तो ये तो बैंक में बात हुई सब लोगों में, सब अपना सबने अपना अपना दिया, कहा कि हाँ कितना अच्छा हो ऐसा हो जाए अगर तो। लेकिन फिर उसके बाद हम रिक्शा करके घर आ रहे थे तो हमारे तो दिमाग में यही घूम रहा कि आज का दिन बीता तो कल तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम घर आ गए, रिक्शे भर पता नहीं किस उसमें धुन में गुम थे, हो सकता है गिर भी पड़ते, लेकिन जब धुन में गुम होता है तो अब चाहे जो हो जाए चाहे मर भी जाए कुछ पता ही नहीं रहता। तो उसी में गुम थे, घर में आके हमने एकदम जैसे कि कोई बोल रहा हो ऐसे, मतलब नहीं ये बोल रहा हो नहीं, तो हमने पापा अपने पापा को ये दो लाइन सुनाई थी सिर्फ, उसकी दो लाइन अभी सुनाते हैं और उसके बाद पापा के 6-7-8 लाइन महीने बाद पूरा गीत हुआ है बहुत बड़ा सा। तो हमने महादेवी वर्मा जी से पूछा था जाकर कि क्या आप कोई गीत पूरा एक ही बार में लिख लेती हैं या रुक के लिखती हैं। तो बोली कि जब तक हमारे अंदर ज्वार रहता है बस हम तभी तक लिखते, जैसे ही वो ज्वार जरा मध्यम पड़ा हम नहीं लिखते, सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते। तो हमने ये दो लाइन लिख के छोड़ दी थी, उसके 6-7 महीने बाद ये गीत पूरा हुआ है, ये अद्भुत गीत है। तो आप सुनिए अद्भुत इस मामले में कि इतने महीने बाद ये अंदर पकता रहा। ज्यादा सुंदर नहीं, बहुत सुंदर सुंदर गीत लोग लिखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गीतकार हैं, हम तो कुछ नहीं। कहीं अचानक बिछड़ा सा पल जाए मुझको मिल, बिल्कुल मन की बात है। कहीं अचानक बिछड़ा सा पल जाए मुझको मिल, सच कहती हूँ सोंजुही की बगिया जाए खिल। कहीं अचानक बिछड़ा सा पल। तो हम इलाहाबाद गए, पापा गाड़ी का प्रोग्राम था कुछ, तो उसमें हमको लखनऊ से बुलाया गया था, पापा को भी बुलाया गया था अध्यक्षता के लिए। तो हम पापा गेट पे एक टकटकी लगाया गेट पे, हाथ धरे देख रहे हैं कि क्या हुआ, ट्रेन नहीं आई, बहुत देर हो गई, अभी तक आई नहीं प्रेमदा। तो हम एकदम से आ गए, तो फिर सबसे पहले पापा ये पूछा करते थे कि क्या लिखा क्या वो। तो थोड़ी देर चाय वाय पीने के बाद ये हुआ कि पापा पूछने लगे कि क्या लिखा, तो हमने उनको सुनाया कि पापा भी बस दो ही लाइन लिखी है, तो कहीं अचानक बिछड़ा सफल जाए मुझको मिल, सच कहती हूँ जो सोन जूही की बगिया जाए खेल। पापा ने पूरा अपना हाथ तुम्हारे सर पे रख दिया और हमारे बाबा को फोन किया उसी समय नहीं बाद में हमारे बाबा को फोन किया कि प्रेमला बहुत अच्छा लिखती है तो हमको हमको बहुत अच्छा लगा, ये बाबा ने हमको बताया जब हम लखनऊ चले आए और रक्षाबंधन पे अपने सब भाइयों को टीका चाचा के बच्चों को राखी बांधने गए थे। पहले बाबा हमारे सबको एक साथ बैठा के बुआ वगैरह सबको इकट्ठा करते थे और सब एक दूसरे को राखी बांधते थे उनके सामने, वो बैठे देखते थे खुश होते थे बैठ के। तो अब हम ये गीत आपको पूरा सुनाते हैं। कहीं अचानक बिछड़ा सा पल जाए मुझको मिल, सच कहती हूँ सोंजुही की बगिया जाए खिल। कहीं अचानक बिछड़ा सा पल चांदी सी रातों में नभ के चंदा का उसका नाम, देख चकोरी बुनती सुख सपनों का ताना बाना। चांदी सी रातों में नभ के चंदा का मुस्काना, देख चकोरी बुनती सुख
सपनों का ताना बाना, चंदा को डस गई बदरिया, चंदा को डस गई बदरिया, तार तार हो गई चुनरिया। नैना पंछी खोज न पाए, बैरागन हो गई उमरिया, नैना पंछी खोज न पाए, बैरागन हो गई उमरिया। तो आशाओं के बन में चलते पाँव गए हैं छिल, आशाओं के बन में चलते पाँव गए हैं छिल। सच कहती हूँ सोनजुही की बगिया जाए खिल, कहीं अचानक बिछड़ा सा पल। तो देखे बन देखे, भटक रही राहों में बंजारों सी सर्द हवाएं, दो पल कोई ठाव मिले तो अपना दर्द सुनाए। तो भीड़ भरे जंगल में कोई, भीड़ भरे जंगल में कोई, गई गुजरिया ऐसी कोई। तो फूलों सी मुस्कान जाने, कांटों के वन में जा कोई। तो भरी भरी वर्षा में जलता कोई है तिल तिल, भरी हुई वर्षा में जलता कोई है तिल तिल, उठ गए हैं सिल, वे पल जाए मिल। तो सच कहती हूँ सोनजुही की बगिया जाए खिल, कहीं अचानक बिछड़ा सा पल। देखें बन, भटक रही राहों में, ये तो सुना चुके हैं, भटक रही राह, याद बहुत आते हैं मुझको सावन के वे झूले, याद बहुत आते हैं मुझको टेसू फूले फूले। पल में हुआ न जाने कैसे रंग उड़े टेसू के जैसे, बस यादों के रंग रह गए, मिटा सकेगा कोई कैसे। अब तो याद बहुत आती है तारों की झिलमिल, चंदा से हिलमिल, दो पल जाए मिल। तो सच कहती हूँ सोनजुही की बगिया जाए खिल। अंतिम देखें, अभी टाइम है ना अंतिम सुनाने का, अंतिम देखें। कान भूल से गए आज रस रंग भरी वे बातें, दो पल चलूं चूम लेती हैं पथ को सौ सौ घाते, एक फूल पर सौ सौ कांटे, कोई दर्द कहाँ तक बांटे। एहसानों से चोट लगी तो पथ अनजाने हमने छाटे, तो ऐसी बाढ़ गिरी दर्दों की, ऐसी बाढ़ गिरी दर्दों की, डूब गए साहिल, दूर हुई मंजिल, अब वो जाए मिल। सच कहती हूँ सोनजुही की बगिया जाए खिल, कोई अचानक बिछड़ा सा पल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपको बहुत थका दिया है आज हमने, ऐसा लग रहा है बहुत थका दिया है आपको, बहुत बोलना पड़ा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो अब और सुना है? आज और
और कुछ सुना है? बिल्कुल एक रचना आप और सुना दीजिए। आप गा पाएंगी? मतलब मुझे लग रहा है आप थक गई हैं काफी। अरे कोई बात नहीं, गा लेंगे। छोड़ा जिस गाँव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मील के पत्थर थे तेरी राहों में। छोड़ा जिस गाँव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मील के पत्थर थे तेरी राहों में। मील के पत्थर को देखते हुए लोग निकल जाते हैं और कोई उसके पास ठहरता नहीं, है ना। तो यही देखें, यही एक दर्द है कि बूढ़े हो जाने पर लोग ज्यादा पहचानते और जानते नहीं और पास से निकल जाते हैं। छोड़ा जिस गाँव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मील के पत्थर थे तेरी राहों में। मलयानील के झोंके फूल के बगीचों में, इंगूरी पांव चले शूल के गलीचों में। चंदन बन दहका कर दावानल मुस्काए, लाराखों के पर्वत हैं गंध भरी चाहों में। छोड़ा जिस गाँव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मील के पत्थर थे तेरी राहों में। देखें तो चक्रव्यूह घातों के तोड़ नहीं पाए हैं। ये मेरी अपनी जिंदगी है, जो मैं झेलती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ, वही लिखती हूँ। चक्रव्यूह घातों के तोड़ नहीं पाए हैं, फिर भी हम अपने को मोड़ नहीं पाए। चांदी के सिक्के थे धूल जम गई तन पर, चांदी के सिक्के थे धूल जम गई तन पर। मिट्टी के मोल हुए आज चढ़े भावों में, चांदी के सिक्के थे धूल जम गई तन पर। मिट्टी के मोल हुए आज चढ़े भावों में। छोड़ा जिस गाँव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मील के पत्थर थे किन्हीं राहों में। देखे कवि लोग कितना तप तप कर लिखते हैं, ये सब कवियों की तरफ से, सब कवि ऐसे ही हैं। तो ये बंद उनके नाम। रेशमी घटाओं की बात लोग करते हैं, रेशमी घटाओं की बात लोग करते हैं, कौन जानता है घन जी जी कर मरते हैं। रेशमी घटाओं की बात लोग करते हैं, कौन जानता है घन जी जी कर मरते हैं। बरसे थे बरसे हैं, बरस बरस जाएंगे, सृष्टि का सलोनापन ही रहे गवाहों में। छोड़ा जिस गाँव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मील के पत्थर थे तेरी राहों में। देखिए बदल गए मौसम हैं, बदली हैं आशाएं, बदल गए मौसम है, बदली है आशाएं। सतरंगी अंबर की बदली परिभाषाएं, सतरंगी अंबर की बदली परिभाषाएं। नैनों के जुगनू थे, सबकी नैनों के जुगनू हुआ करते थे। नैनों के जुगनू थे, बन में जा बैठे हैं,
गुमसुम सन्नाटे ही सिर को बंधे बाहों में, नैनों के जुगनू थे वन में जा बैठे हैं। गुमसुम सन्नाटे ही सिर्फ बंधे बाहों में, छोड़ा जिस गांव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम मीट के पत्थर थे तेरी राहों में। अंतिम देखें तो जोड़ में तुम्हारे अब सिर्फ हम घटाने हैं, जोड़ में तुम्हारे अब सिर्फ हम घटाने हैं, कर्ज ही हमें तो अब उम्र भर चुकाने हैं। पाप पुण्य परिभाषित लोग करें करने दो, हमको बस रहने दो चात की गुनाहों में। चात की गुनाहों एक नया शब्द किया है। पाप पुण्य परिभाषित लोग करें करने दो, हमको बस रहने दो चात की गुनाहों में, छोड़ा जिस गांव हमें फिर न पलट कर देखा, जैसे हम नींद के पत्थर से तेरी राहों में, छोड़ा जिस गांव हमें। बहुत सुंदर, और बताइए बहुत सुंदर, और सुनाऊं? आप थक गई होंगी अब, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। हालांकि आदरणीय उषा सिन्हा जी जुड़ी हैं हमसे, और उन्होंने एक गीत की फरमाइश की थी। उनसे फोन पर बात हुई हुई थी तब भी उन्होंने इस गीत का जिक्र किया था, चांद इतनी चांदनी मत दो धूप का आभास खो जाए। चांद इतनी चांदनी मत दो, इतनी चांदनी मत दो धूप का आभास खो जाए। अच्छा 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 उनको बहुत पसंद, जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। उनका उनको ये गीत बहुत पसंद था, अक्सर कहती है मुझसे, जरूर जी, करेंगे जी। अभी करते हैं, अभी करते हैं, देख लें बस जरा सा। आप जरा सा गीत, गीत हम निकाल, अच्छा, ये जी निकाल लेंगे जल्दी। आप अब थक गई होंगी, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप बहुत थक गई हैं। तो अब इस कार्यक्रम को और आदरणीय उषा सिन्हा जी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ कि मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं करवा कर, मतलब उनको करने से रोक रही हूँ आदरणीय प्रेमला जी को, क्योंकि वो 2 घंटे से हमारे साथ हैं और लगातार बोल रही हूँ, और मुझे लग रहा है वो बहुत थक गई हैं। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं, और आदरणीय से ये कविता हम फिर सुनेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिकॉर्ड करके रखूं उसको, बिल्कुल इस कविता को, क्योंकि उनकी कई कविताएं रिकॉर्ड करके रखी हैं, तो अगर हो सका तो ये कविता भी रिकॉर्ड करके मैं रखूंगी, और फिर हम उनसे साक्षात भी सुनेंगे। तो अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं आदरणीय ममता किरण जी, आदरणीय राजेश राज जी, आदरणीय शशि शुक्ला जी, और आदरणीय मधु मधुबन जी, मुझे जिनके जिनके नाम दिखते जा रहे हैं, दिव्या त्रिवेदी जी, पूनम पाठक जी, पूनम अहमद जी, और अलका प्रमोद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ममता किरण जी कह रही हैं प्रमिला जी को सुनाने दीजिए, तो अगर प्रमिला जी क्या ममता, मैं अच्छा एक काम करती हूँ, मैं एक क्लिपिंग मैंने ऐसे समय के लिए बना के रखी थी कि अगर कुछ हो तो ये हम देख सके, तो मैं ये क्लिपिंग चलाती हूँ, और आदरणीय अगर आप थोड़ा सुस्ता भी लेंगे इस बीच में, और तब आप ये गीत सुना के इससे हम समापन कर देंगे। अरे अंतर में विश्वास जगाए, तुमसे कितनी आस लगाए, इतनी दूर चले आए जब मत कहलाना अब हमसे हम हार गए, मत कहलाना
अब हमसे हम हार गए। ठेस लगी जितनी भी गहरी, मन को हमने समझाया। कितना कुछ खोकर भी लगता है बस पाया ही पाया। नाव पुरानी ले हम बरसाती नदिया कर पार गए। मत कहलाना अब हमसे हम हार गए, मत कहलाना अब हमसे हम हार गए। चिंता दग्ध किए जीवन को फूलों सी कोमल काया। झुलसे होठों पर जब जब भी नाम तुम्हारा थाया। कब कैसे किस ओर न जाने वे जलते अंगार गए। मत कहलाना अब हमसे हम हार गए। तो प्रमिला जी की ये छोटी छोटी फोटोज मुझे जहां जहां से प्राप्त होती रही हैं और जब जब मिलती रही हैं, उन्हीं को जुटा कर उनकी कविताएं जहां भी मिल पाती हैं उन्हें मैं इस तरह से संजो लेती हूँ। तो अब आप आदरणीय डॉक्टर उषा सिन्हा जी की ये फरमाइश। हाँ उषा जी, आपकी फरमाइश हम पूरी ये बिना कैसे जा सकते हैं। देखिए आप, ये यूनिवर्सिटी में हमने जब से पढ़ा है, उषा जी ने इसको अपने दिल में बैठा लिया। अरे राम गिर गया। ये यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तब से उषा जी को ये बहुत पसंद है। तो मैं ये गीत पढ़ रही हूँ। चांद इतनी चांदनी मत दो, चांद इतनी चांदनी मत दो, धूप का आभास खो जाए। सूर्य तुम इतनी जलन मत दो, सूर्य तुम इतनी जलन मत दो, तप नहीं विश्वास हो जाए। चांद इतनी चांदनी मत दो, चांद इतनी चांदनी मत दो। पता नहीं क्या हो रहा है। गान गूंगे चीखती चुप्पी, हर तरफ है रेत के ही वन। अरे बार बार गिर जाता गिर जाता है। गान गूंगे चीखती चुप्पी, हर तरफ है रेत के ही वन। कंठ में है प्यास के कांटे, दूर तक दिखते नहीं है घन। वाष्प बन मन सिंधु से निकलो, वाष्प बन मन सिंधु से निकलो। नेह जल तन मन भिगो जाए, रवि जलन भी तुम न दो इतनी। तप नहीं विश्वास हो जाए, रवि जलन भी तुम न दो इतनी। घेरते हैं क्रूर अंधियारे, इष्ट अपना हर उजाला है। घेरते गला नहीं चला, घेरते हैं क्रूर अंधी, घेरते हैं क्रूर अंधियारे, इष्ट अपना हर उजाला है। प्यार से मन भुवन में हमने उम्र भर दुख दर्द पाला है। प्यार से मन भुवन में हमने उम्र भर दुख दर्द पाला है। घन तिमिर के अंक में कोई, घन तिमिर के अंक में कोई, घन तिमिर के अंक में कोई, दीप की बाती संजो जाए। चांद इतनी चांदनी मत दो,
धूप का आभास खो जाए, रवि जलन भी तुम न दो इतनी, तपन ही विश्वास हो जाए। अंतिम देखें, आ रही जो किरण आने दो, आ रही जो किरण आने दो, द्वार खोलो खिड़कियां खोलो, आ रही जो किरण आने दो, द्वार खोलो खिड़कियां खोलो, पास जाकर तू उदासी के, पास जाकर तू उदासी के, धैर्य के दो शब्द ही बोलो, पास जाकर तू उदासी के, धैर्य के दो शब्द ही बोलो। अश्रु पश्चा, किसी को कुछ कहने के बाद पश्चाताप अगर होता तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। आपके मुंह से कभी कुछ गलती हो जाए और आपको पश्चाताप हो, तो आ रही जो किरण आने दो, द्वार खोलो खिड़कियां खोलो, पास जाकर तुम उदासी के, धैर्य के दो शब्द ही बोलो। अश्रु पश्चाताप का आकर मन कलुष निशेष धो जाए, अश्रु पश्चाताप का आकर मन कलुष निशेष धो जाए, चांद इतनी चांदनी मत दो, धूप का आभास खो जाए, रवि जलन भी तुम न दो इतनी, तपन ही विश्वास हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आदरणीय उषा सिन्हा जी की ने लिखा है, बहुत सुंदर, इतने वर्षों बाद भी वही बुलंदी, सादर अभिवादन। हमारे साथ रवि यादव भी जी भी जुड़े और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ। और अब आदरणीय बहुत बहुत थक गई हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है, हालांकि उनके अंदर बात करने का जो वो है, जज्बा है, वो खत्म नहीं होता है, और ईश्वर करे कि हम हमेशा उन्हें सुनते रहें। मुझे लगा कि एक बार इनसे जी भर के बात कर ली जाए, उनको बैठा के, तो जी तो अभी नहीं भरा है। प्रमिला जी, हम फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे, लेकिन आज की संध्या को यहीं पे विराम दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और प्रमिला जी आपको प्रणाम। मैं भी राजू जी को धन्यवाद देती हूँ, और जितने भी सुधी श्रोता यहाँ पर जिन्होंने मुझे देखा, मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और वो जब भी जितना सुनना चाहेंगे, मेरा तो थक गई हूँ, लेकिन मेरा और सुनाने का मन है, और मैं तो एक घंटा गीत सुनाऊँ, एक घंटा खाली दोहे सुनाऊँ, एक घंटा खाली मुक्तक सुनाऊँ, एक घंटा खाली छंद सुनाऊँ, ऐसा लगता है कि सब चीज़ सुनाऊँ, सुना दूँ तब जाऊँ दुनिया से। आप जब भी सुनना चाहेंगे मैं सब कुछ आपको सुनाऊँगी। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।